लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले हफ्ते एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रामनवमी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ममता बनर्जी की सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा किया है। यह पहली बार है जब राज्य सरकार ने रामनवमी की छुट्टी घोषित की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस कदम का मकसद लोकसभा चुनाव से पहले अपनी हिंदू विरोधी छवि को दूर करना है। वहीं टीएमसी ने भगवा पार्टी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार की ताजा घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले साल रामनवमी पर बंगाल में हिंसा की खबरें आई थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने बंगाल के कार्यक्रम में कहा था, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें 35 सीटें दीजिए और हम सुनिश्चित करेंगे कि आप शांतिपूर्वक रामनवमी जुलूस निकाल सकें। वहीं बंगाल में बीजेपी के नेता सुविंदु अधिकारी का मानना है कि राज्य में तेजी से बदलती जमीनी हालात के कारण मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। सुविंदु ने एक्स पर लिखा, 15 जनवरी को मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि पश्चिम बंगाल सरकार के वार्षिक कैलेंडर में छुट्टियों की सूची में श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर किसी भी छुट्टी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार ने अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लिए 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना उचित नहीं समझा। पवित्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी ने तथाकथित सर्वधर्म रैली भी आयोजित की। समझा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के इसी अटैक ने ममता बनर्जी सरकार को रामनवमी के दिन सार्वजनिक छुट्टी करने का दबाव बढ़ा दिया। अब तक बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा बड़े त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। कई अन्य त्योहारों पर भी छुट्टी होती थी, लेकिन रामनवमी पर नहीं। एक समय तो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर भी भड़क जाया करती थी। विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के कट्टर हिंदूवादी राजनीति की तेजी से उभरने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ममता बनर्जी के लिए हिंदू वोटर्स को बांधे रखना एक मजबूरी हो गई है। लिहाजा इस चुनाव में ममता बनर्जी बदली बदली सी नजर आ रही हैं, क्योंकि राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर होने का अनुमान है। इसलिए विश्लेषक मानते हैं कि ममता बनर्जी समझती हैं कि राम नाम की हवा देश भर में चल रही है और बीजेपी लगातार बंगाल में मजबूत होती जा रही है, इसलिए राम मंदिर की हवा में हिंदू वोटर्स छिटक कर कहीं और न चले जाएं, इसलिए ममता बनर्जी सतर्क नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ संदेश खाली की वजह से भी ममता की हिंदू विरोधी छवि बनी है, जिसे संभालने में पूरी टीएमसी लगी हुई है। यही वजह है कि ममता बनर्जी इस बार न तो जय श्री राम के नारे के प्रति अपनी नाराजगी दिखा रही हैं और न ही रामनवमी पर छुट्टी देने से उन्होंने कोई परहेज किया। हालांकि ममता बनर्जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी तक अयोध्या नहीं गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं रामनवमी पर छुट्टी देकर वे डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।